भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमीरपुर के श्री चैतन्य महाप्रभु दंगड़ी मठ में धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हमीरपुर के अलावा कांगड़ा ऊना के हरि भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद 56 भोग लगाकर जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर के हाल में सैकड़ों भक्तों ने पूरी रात भर कृष्ण भजन गाकर जन्माष्टमी पर्व को मनाया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमीरपुर के श्री चैतन्य महाप्रभु दंगड़ी मठ में धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हमीरपुर के अलावा कांगड़ा ऊना के हरि भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद 56 भोग लगाकर जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर के हॉल में सैकड़ों भक्तों ने पूरी रात भर कृष्ण भजन गाकर जन्माष्टमी पर्व को मनाया। दंगड़ी मठ के गिरी महाराज ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व के लिए रात भर मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ और रात 12 बजे कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक भव्य तरीके से किया गया और राधा रानी का उत्सव भी 6 सितम्बर को मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ के श्री राधा गोपीनाथ जी का श्री जन्माष्टमी का महाउत्सव कल मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव में विभिन्न स्थानों से लोग बाग आए हुए, ऊना से, हमीरपुर, नदौन, भोपाल, लोकल क्षेत्र से समस्त भक्तों ने भाग लिया। ठाकुर जी का झूला भी पड़ा, ठाकुर जी को 56 भोग, 36 व्यंजन, भगवान को भव्य आरती, भगवान का श्रृंगार जो कि आप देख रहे हो YouTube चैनल माध्यम से एस टूडे से, क्योंकि जन्माष्टमी का प्रोग्राम सारी दुनिया में मनाया जाता है, किंतु विशेष यहाँ पर भगवान की एक श्रृंगार, भगवान का भोग, भगवान की आरती का जो आनंद देखने को मिलेगा, जो देख के खुश होता है, आप भी देख के खुश हो रहे होंगे कि वाह, यहाँ हमारे इलाके में ठाकुर जी का इतना सुंदर भव्य मंदिर बना के रखा है पर हमारा सौभाग्य नहीं हुआ दर्शन पाने का। इस मंदिर में ज़रूर दर्शन आकर करें एक बार, और मैं पुनः आपसे फिर इस टीवी के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं वो आएँ। 6 सितंबर को राधाष्टमी है, वो इसी तरह से मनाई जाएगी जैसे कृष्णाष्टमी मनाई जाती है। कृष्णाष्टमी में व्रत किया जाता है, किंतु राधाष्टमी के लिए उल्लेख है शास्त्रों में कि राधाष्टमी का व्रत 12 बजे तक होता है, दिन के 12 बजे तक। तो यहाँ पर प्रोग्राम सेम वैसे ही होगा, कृष्ण जन्माष्टमी का रात को होता है और राधाष्टमी का दिन में होता है, जो कि 10 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक होगा। उसमें महाप्रसाद भंडारा भी होगा, राधा रानी का जैसे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक आप देख रहे हो वैसे ही होगा, वैसे ही राधा रानी का श्रृंगार होगा। आज जैसे हुआ है राधा रानी के गुणगान का कीर्तन होगा आज, जो कि आप जन्माष्टमी में जैसे भगवान श्री कृष्ण का होता है सेम राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी जो है आलाधनी शक्ति है भगवान की, श्री कृष्ण की। तो राधा रानी का उत्सव मनाने से लगता है राधा रानी का उत्सव, राधाष्टमी पूरे हिमाचल में दंगड़ी मठ में मनाई जाती है और मेरे को लगता नहीं कहीं मनाई जाती। जन्माष्टमी तो प्राय सारी दुनिया में सब लोग मनाते हैं, हर घर में झूला डालते हैं। झूला डालना एक आम बात है, किंतु ठाकुर जी के दर्शन करना, ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन करना, ठाकुर जी की आरती करना, आरती उतारना, ठाकुर जी का प्रसाद पाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप लोग टीवी के माध्यम से आप देख रहे हो, आपका ये भी सौभाग्य है, क्योंकि ये टीवी वालों ने बड़ी कृपा करके हमारे पास आए और इन्हें नोट किया कि क्या क्या फंक्शन हुआ, तो आप देख रहे हो। तो जो भी है ठाकुर जी के मंदिर में आए, सब लोग बड़ा धूमधाम से फंक्शन मनाएं, यही मेरा निवेदन है। कृष्ण अष्टमी का उपलक्ष बड़ी धूमधाम से मनाया गया, ऐसी राधाष्टमी मनाई जाएगी। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कार्यक्रम में वक्त चला, शोचपे का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।